नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द ग्रेट भारत में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आप जानेंगे पशु पक्षियों की कुछ ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्राओं के बारे में। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सितारों के जहां की सैर यानी अंतरिक्ष का पर्यटन का एक ऐसा स्वप्न है जिसका हकीकत में बदलना मुश्किल है। ऐसी बातें या तो बड़ी कथाओं में की जाती हैं अथवा विकसित देशों की सरकारें अपने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाती हैं। इसके लिए गिने चुने विशेषज्ञों को कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है, तब जाकर वे इस लायक बनते हैं कि इस दुष्कर काम में अपना योगदान दे सकें। सामान्य मनुष्य तो बस आश्चर्यचकित होकर इनकी कहानियां कहते और सुनते हैं। वे जानते हैं कि उनके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कई बार जो इंसानों के लिए संभव नहीं हो पाता, कुदरत उसे जानवरों के लिए संभव बना देती है। हाँ, इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि कुछ भाग्यशाली जीव जंतुओं को सितारों की दुनिया में सैर सपाटा करने का सौभाग्य अनायास प्राप्त हो गया। अगर किसी से पूछा जाए कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो सामान्य ज्ञान की विशेषज्ञता के इस युग में कोई भी तुरंत बता देगा, यूरी गागरिन। लेकिन यदि सवाल यह पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था, तो इस सवाल के जवाब में अनेकों या तो चुप हो जाएंगे अथवा बगले झांकने लगेंगे। कोई बात नहीं, इस विचित्र से सवाल का सरल सा जवाब यह है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जानवर एक मादा कुत्ता लाइका थी। लाइका ने पहली बार किसी जीवित प्राणी के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा की थी। रूस ने 3 नवंबर 1947 को स्पुतनिक 2 यान से इसे अंतरिक्ष में भेजा था। हालांकि लाइका इस अंतरिक्ष यात्रा से जीवित वापस नहीं लौट पाई और यात्रा के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तथापि उसको भेजने के कारण इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर ही मानव की अंतरिक्ष यात्रा संभव हो सकी। उसकी मौत का कारण उसे वापस लाने की तकनीक का विकसित ना होना भी बताया जाता है। अंतरिक्ष में इंसानों के कदम रखने से पहले वहां कई पशुओं को भेजा जाता रहा है ताकि वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष यात्रा में होने वाली परेशानियों का पता चल सके। 1948 ईस्वी में अल्बर्ट नाम के चिंपांजी को V2 रॉकेट के जरिए पहली बार अंतरिक्ष के सफर पर भेजा गया। दुर्भाग्यवश 63 किलोमीटर की यात्रा के बाद दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में सन 1948 ईस्वी में अमेरिका ने माउस इनेबल प्रोजेक्ट के तहत चूहों को भी अंतरिक्ष में भेजा था। मानव की अंतरिक्ष यात्रा का पथ प्रशस्त होने के बाद से पशु पक्षियों को परीक्षण हेतु अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। परंतु विगत 2013 ईस्वी में ईरान ने अपने अंतरिक्ष शोध अभियान की शुरुआत करते हुए अफसास नाम के बंदर को अंतरिक्ष भेजा। अंतरिक्ष की दुनिया कल्पनाशील मन को सहज आकर्षित करती है। बचपन परियों की कथाओं के माध्यम से अपनी अंतरिक्ष यात्रा के सपने बुन लेता है। खुले आंगन में या फिर छत पर रात में लेटे हुए आकाश में चमकते हुए सितारों में प्रायः अपने एक सितारे की खोज की जाती है। धीरे धीरे ना जाने क्यों उस सितारे के साथ एक अनजाना अपनापन जुड़ने लगता है। उससे बातें होने लगती हैं, भावनाओं की डोर जुड़ने लगती है। भले ही यह सब कल्पनाओं में होता रहा हो, पर वास्तव समय में अंतरिक्ष यात्रा मानव जीवन का सच बन चुकी है। कल्पना चावला जैसी नारियों ने अपनी इस यात्रा की कहानियां हम सबको सुनाई हैं। रही बात पशुओं की, तो पुराणों की कथाएं हमें इसके लिए युगों से प्रेरित करती रही हैं कि पशु भी अंतरिक्ष की सैर किया करते थे। पुराण कथाएं कहती हैं कि सूर्यदेव के रथ में घोड़े जुते हुए हैं। इन 7 घोड़ों पर सवार होकर सूर्यदेव पूरी दुनिया में उजाला बांटते रहते हैं। सूर्यदेव की तरह ही देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए हाथी रखा हुआ है। उसका नाम ऐरावत है। जब भी उन्हें कहीं जाना होता है, वे ऐरावत हाथी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की यात्राएं मयूर द्वारा संपन्न होती हैं। समस्त देवी देवताओं के साथ किसी न किसी पशु अथवा पक्षी का एक वाहन के रूप में संबंध है, जो पशु पक्षियों द्वारा अंतरिक्ष एवं लोक लोकांतरों के गमन के पौराणिक संदर्भों के रूप में हम सबके मानस पटल पर अंकित है।
इस क्रम में सदा समाधि लीन रहने वाले भगवान शिव नंदी बैल पर बैठकर यात्रा करते हैं, जबकि आदिशक्ति भवानी अपनी यात्रा के लिए सिंह का प्रयोग करती है। क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु भगवान के पास पक्षीराज गरुड़ हैं, जिनकी गति मन से भी तीव्र कही गई है। इन कथाओं का सच जो भी हो, पर इसमें यह तत्व निहित है कि पशु पक्षियों के धरती के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भ्रमण करने की सोच सदा से मानवीय चिंतन का हिस्सा रही है। इनके अलावा पुराण कथाओं में बाज, गिद्ध, कबूतर आदि के अंतरिक्ष यात्री होने की अनेकों कथाएं मिलती हैं, जो रोचकता के साथ मन में विचित्र सा रोमांच पैदा करती हैं। पुराणों का प्राचीन सच नवीन युग में नए ढंग से तब देखने को मिल जाता है जब प्राचीन देवताओं की भांति आधुनिक वैज्ञानिक विभिन्न पशुओं व जीवों को अपनी अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम के लिए इन्हें अपना सहयोगी बनाते हैं। इसी योजना के तहत सन 1956 ईस्वी में कैमरून में जन्मा हेम नाम का चिंपांजी भी अंतरिक्ष होकर आया था। हेम बाकायदा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की वायुसेना से ट्रेनिंग लेने के बाद अंतरिक्ष में गया था। अमेरिका के होलोमेन बेस से इसे 1961 ईस्वी में अंतरिक्ष भेजा गया। यह अपनी यात्रा पूरी करने के बाद सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया। भिन्न भिन्न जीव जंतुओं की अंतरिक्ष यात्रा की कई कड़ियाँ अभी और भी हैं। इसी क्रम में रूस की ओर से खरगोश के साथ साथ एक गिलहरी को भी अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह गिलहरी वहाँ खाली हाथ नहीं गई थी, वह अपनी यात्रा में कई तरह के फल, सब्जियाँ और कुछ पौधे भी लेकर गई थी। जंतुओं में जाल बुनने वाली मकड़ी से हम सभी का परिचय है। अनीता और अरबेला नाम की दो मकड़ियाँ ऐसी भी हैं जिन्होंने जाल बुनने का कौशल अंतरिक्ष में भी दिखाया। यूरोपियन वैज्ञानिकों ने इन्हें 1973 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा था। वैज्ञानिक इनके माध्यम से ये देखना चाहते थे कि जीरो ग्रेविटी पर मकड़ियों की कार्यशैली व कार्य क्षमता कैसी रहती है। इन जीव जंतुओं के अंतरिक्ष अनुभवों ने वैज्ञानिकों को इस सत्य से तो बखूबी परिचित करा दिया कि इंसान और बंदरों में रेडिएशन का अनुभव करने की क्षमता प्रायः एक जैसी है। यही नहीं, चूहों और मनुष्यों की न्यूरोकॉग्निटिव प्रक्रिया भी प्रायः समान है। ये जीव जंतु भले ही अनेक बातों में मनुष्यों से पीछे हों, पर इस सच को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन्होंने अनगिनत मनुष्यों से पहले अंतरिक्ष यात्रा की चमत्कारी यात्रा संपन्न की। इस सच के साथ जुड़ा हुआ सत्य यह भी है कि 21वीं सदी वैज्ञानिक संभावनाओं की सदी है। संभव है इस सदी की बढ़ती काल यात्रा में मनुष्यों के लिए भी अंतरिक्ष यात्रा कुछ इसी तरह सहज, सरल, सुलभ और संभव हो जाए जैसे कि आज की वायुयान यात्रा है। तब मनुष्यों को अपनी अंतरिक्ष यात्रा में बार बार और बरबस ये जीव जंतु याद आते रहेंगे। आखिर इन्होंने मनुष्यों से पहले अपनी अंतरिक्ष यात्राओं को सफलतापूर्वक पूर्ण जो किया था। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में मेरे चैनल से जुड़े रह सकें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।